हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि डेली अपडेट तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपको यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें यहाँ पे खुद ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लो, फिर आपको गिवन है डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई आपका यहाँ पे ए सी या सी ए का मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीन मिड पॉइंट आपको गिवन है। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये बी डी ई एफ, सबसे पहले हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ओके, तो ये हाईलाइट मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया, इसको हमें एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी भी अगर ट्राइंगल की दो साइड पे अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है, तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो उसी स्टेटमेंट से हम इस थ्योरम को, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ई इसका मिड पॉइंट है, एफ ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट गिवन है, तो एफ ई बी सी के पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ईजिली अगर आपको स्टेटमेंट या थ्योरम सारे अच्छे से लर्न है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री पार्ट से आ जाए, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो हमने गिवन टू प्रूव राइट कर लिया कि गिवन हमको एक ट्रायंगल एबीसी है, जहां पे डी ई एफ आर मिड पॉइंट से बी सी सी एंड ए बी के रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सबसे पहले से ही हम ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम को देखना है। तो ए बी सी ट्राइंगल हम यहाँ पे लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल में आपका लिखोगे एफ ए बी का मिड पॉइंट है, ई आपका यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना सा भी लिख लोगे क्योंकि ये भी उसकी हेडिंग है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी होती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दो साइड पे तो मिड पॉइंट होंगे, वो साइड जो बनेगी उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, वो थर्ड साइड के क्या होगी, ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से एफ ई पैरेलल हो जाएगा आपका किसका, बी सी के। तो एफ ई अगर बी सी के पैरेलल है, तो बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इसके छोटे पार्ट के भी ये पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि एफ ई पैरेलल है बी सी के, तो एफ ई बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। तो सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि मुझे इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैं उसी स्टेटमेंट को यूज़ कर रही हूँ कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल में बी डी एफ ई के पैरेलल आ गया और ई डी एफ बी के पैरेलल मैंने यहाँ प्रूव करके बता दिया, तो यहाँ पे ये क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत सारे थ्योरम से हमारे पास है, बट मैं यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली मेरा प्रूफ हो जाएगा, तो ये साइड इसके पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, ये साइड इसके पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, तो थ्योरम के स्टेटमेंट से आपका ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखो, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई आपका ए सी का मिड पॉइंट है, तो डी ई आपके किसके पैरेलल हो जाएगी यहाँ पे, ए बी के। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से डी ई पैरेलल होगा ए बी के, अगर ये पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इस एफ बी यानी छोटी सी लाइन के तो पैरेलल हो गई, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ, तो फ्रॉम फर्स्ट से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ E इज पैरेलल टू बी डी। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है हमारा डी ई इज पैरेलल टू एफ डी, ये हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। तो इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ बोथ पेयर ऑफ, तो सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो बी डी ई एफ आपका एक क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो बस सिंपली हमने इसको प्रूफ कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ डी ई एफ। तो डी ई एफ हमारा यहाँ बन नहीं रहा है, पहले हम यहाँ पे डी ई एफ बना लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ प्रूफ करना है एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस फिगर के अंदर देखो 1, 2, 3, 4 फोर ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूव करके बता दूँ कि इन चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे इजीली प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल का एरिया इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के, मैं अभी छोटे वाले चार की बात कर रही हूँ, तो बड़े वाले ट्राइंगल के 1/4 के इक्वल है, और हमें पता है कि एरिया जो ए बी सी ट्राइंगल है वो चार छोटे ट्राइंगल में डिवाइड है। तो अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो अभी देखो फर्स्ट पार्ट में जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ये जस्ट अभी आपने यहाँ पे प्रूव किया है कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसके डायगोनल को ज्वाइन कर देते हो, मैंने अगर ये डायगोनल यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो
टू इक्वली, यहाँ पे टू, ये दोनों ट्राइंगल अब क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो डायगनल ऑफ अ पैरलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो किसी भी पैरलोग्राम का डायगनल उनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है. और हमें पता है कि किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है. ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो इसी तरीके से पहले हम ये वाला पैरलोग्राम ले लेंगे, फिर हम ये वाला पैरलोग्राम ले लेंगे, इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल हो जाएगा, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. फिर हम ये वाला पैरेललोग्राम ले लेंगे, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. तो इसी तरह से हम चारों ट्रायंगल के एरिया को यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर देंगे. उसके बाद हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा. तो ये जो हमने अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया बी डी ई एफ, उसके लिए राइट कर लिया कि दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्यों? क्योंकि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. और उन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल. ठीक है, ये तो हमने अभी इसमें पढ़ा था जब मैंने आपको 9.1 का इंट्रोडक्शन बताया था तब. और ये हमने इससे पहले जो चैप्टर किए वहाँ पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर. अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा चीज़ में हम यहाँ प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है. तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, इसी तरीके से हम ए ई डी ई ए एफ डी ई को भी पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. तो बार बार आपको यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके यहाँ पे लिख सकते हो कि सिमिलरली जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था इसी मेथड से, मिड पॉइंट थ्योरम के मेथड से ही हम ये वाला भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं और ये वाला भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं. एक का मेथड हमने यहाँ बता दिया, बाकी के लिए हम यहाँ पे सिमिलरली करके राइट कर देंगे. तो यहाँ हमने सिमिलरली करके राइट कर दिया, सिमिलरली वी कैन प्रूव एफ डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम. तो जैसे हमने ऊपर राइट किया सेम वैसे ही हो गया. अब आपका ये डायगनल हो गया, तो इन दोनों ट्राइंगल आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया. यहाँ मैंने डैश डैश लगा दिया, ये आपको यहाँ पे रीजन राइट करना है. ठीक है, फिर सेम हमने यहाँ पे एफ डी या फिर ये ए एफ डी ई को भी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करना है सेम फर्स्ट वाले मेथड से. तो सिमिलरली करके हमने यहाँ राइट कर लिया और ये जो हमारा डायगनल हो गया तो इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल. तो हमने इनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मार्क कर दिया. तो मैंने आपको जो बताया था चारों ट्राइंगल का एरिया हमें इक्वल करना है, तो इससे हमारा हो जाएगा देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ. तो यहाँ देखो डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ तीनों इक्वेशन के राइट में डी ई एफ है, तो तीनों इक्वेशन के लेफ्ट और ये राइट चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप यहां पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ. डी बी एफ ये हमारा हो गया, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. फिर डी ई एफ आपका यहां से किसके इक्वल है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी. इक्वल टू डी एफ फिर से हमारा इसके इक्वल है, तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई. तो ये चारों हमारे यहां पे क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का 1/4 हमें ये चाहिए. पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा किसके इक्वल है. तो ये हमारा यहाँ पे हो गया इन चारों का जो सम होगा वो हमारा, इन चारों ट्राइंगल का सम है वो इस पूरे बड़े ट्राइंगल यानी ए बी सी ट्राइंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल. तो इन चारों ट्राइंगल ट्राइंगल का जो सम है उसने हम उसको हमने इक्वल कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के. अब जो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेकर आना है. तो क्योंकि ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम सभी को यहाँ पे डी ई एफ लिख देते हैं. नहीं तो आप यहाँ पे भी देखोगे डी बी एफ, डी बी एफ भी आपका किसके इक्वल है, डी ई एफ के इक्वल है. फिर हमारा ये डी ई एफ हो गया, एक हमने पुट कर दिया, दो हमने पुट किया, डी ई सी तो डी ई सी भी आपका डी ई एफ के इक्वल है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लिया. और ए एफ ई की जगह भी हमने डी ई एफ रख लिया. नहीं तो चारों आपस में इक्वल है तो हम चारों की जगह सेम वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं. तो इसको मैं यहां पे लिख लेती हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमने यहां पे लिखा है, क्योंकि चारों इक्वल है इसलिए यहां पे एक की वैल्यू पुट कर दिया. डी ई एफ चाहिए तो 1 + 2 + 3 + 4, यहां पे 4 डी ई एफ है तो 4 टाइम एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया. अब ये 4 आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. जैसे हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रूव करके देखना है, इसी तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं. तो थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ बी डी ई एफ, बी ई डी बी डी एफ हमारा सबसे पहला जो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि बी डी ई एफ का जो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है ये इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के
एक सेकेंड, ये पूरा जो ट्राइंगल है उसके एरिया के हाफ के इक्वल हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट साइड हमने इसका लिया, एरिया ऑफ बी डी ई एफ। तो बी डी ई एफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बी डी ई एफ पैरेललोग्राम का एरिया दो ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ, या फिर हमारा डी बी एफ था तो डी बी एफ ले लेते हैं, डी बी एफ, और दूसरा वाला है हमारा डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल हो गया। अब हमें डी बी एफ और डी ई एफ को क्या बनाना है, ए बी सी बनाना है। तो पहले मैं क्या कर देती हूँ, ये देखो ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ से हम ए बी सी ला सकते हैं। तो डी ई एफ की जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी पुट कर सकते हो। तो मैं इसकी जगह भी फ्रॉम फोर्थ से डी बी एफ की जगह भी मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, डी ई एफ पुट कर सकती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था। नहीं तो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि ये डी बी एफ जो है हमारा डी ई एफ के एरिया के इक्वल है। तो आप फर्स्ट से भी लिख सकते हो, तो मैं फर्स्ट से लिख लेती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। तो दो जगह ना पुट करके इन दोनों को मैंने सेम कर दिया। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये 1+1 यहाँ पे 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लेती हूँ, डी ई एफ की जगह मैं 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी पुट कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज है, इसकी जगह हमने पुट किया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th से। तो 2 से आपका 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम हो गया, यानी कि आपका यहाँ से हो गया एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू हमारा हो गया एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया, हैंड्स प्रूफ, यानी कि ये हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपका बहुत इजी था, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे देखना है ट्रिक लगा के कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको एक एक पैरेललोग्राम लेना है, डायगोनल की प्रॉपर्टी लगानी है और इस तरह से कॉन्ग्रुएंट करते जाना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।